अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अजगर अली पाकिस्तानी। दोस्तों, वेजिटेबल्स के पौधे हम लगाते तो हैं छोटे पैमाने पे अपने घरेलू, लेकिन ये है कि इसमें मौसम के भी कुछ होता है, मौसम का भी हिस्सा होता है। जैसे कराची में बहुत बारिश हुई है, उसके बाद फिर अचानक गर्मी बढ़ गई, लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है, लेकिन धूप में बड़ी तपिश है। पूरी केयर करने के बावजूद भी है ना, तकरीबन 46-50% जो है ये कामयाब हुआ उसमें, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाए थे ये वाला करेला, लौकी, तोरी, खीरा। उससे पहले मैंने 8 मई को जो लगाए थे उसकी भी हालत थोड़ी सही नहीं है। ये देखें, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, लेकिन ये कि सेकंड टाइम जो मैंने 12 जून को जो लगाए थे तो उसके बाद इसने, ये देखें, ग्रोथ में शुरू हो गया है, इसकी जो ग्रोथिंग शुरू हो गई थी लौकी का। ये देखें, लौकी का ये पूरा जा रहा है, यहाँ से पत्ते पीले हैं, लेकिन ये आगे जाकर देखें ये फूल निकाल रहे हैं, फूल निकलते हैं इसके, लेकिन फूल निकलने के बाद दोबारा जो है इसकी तपिश होती है, मुरझा जाती है। जब ये फूल आगे बनेंगे तो फिर इसके बाद इसमें फ्रूटिंग भी होगी, लेकिन ये इसको समझते कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको 4 मंथ होने वाले हैं, इसको तो 3 मंथ होने वाले हैं। उससे जो मैंने ये जो लगाया था तुरई का, ये तुरई का इसको 4 मंथ होने वाले हैं। ये देखिए, 8 मई को लगाया था, अब इसमें देखिए ये फूल बन रहा है। ये देखिए, फूल बनता है, अच्छा खासा खिल जाता है, लेकिन फिर ये मुरझा जाता है और इसकी फ्रूटिंग आगे नहीं होती। हालांकि पानी वानी का सब ख्याल रख रहा हूँ, नॉर्मल खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन और जैसे ये मिर्ची विर्ची का भी ये भी फ्रूटिंग अभी नहीं कर रहा, लेकिन ये पौधा अभी तक कायम उदायम है। लेकिन बात वही आ गई कि छोटा गमला और बड़ा गमला, तो ये तकरीबन 10 इंच का गमला होगा, तो इसमें देखें 2 पौधे लगाए हुए। मेरी फ्रूटिंग एक बार हो चुका है, सेकेंड टाइम फ्रूटिंग शुरू की है इसने भी, देखिए छोटा सा मिर्ची नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने टमाटर के भी पहले पौधे लगाए थे, कामयाब हुआ था, तो मैंने घर के बीज से लगाए थे। अब देखिए दोबारा मैंने पनीरी लगाई, अब जैसे मैंने बीज बोए थे, अब ये पनीरी की सूरत ले ली है पौधों ने। ये देसी बिल्कुल घर के बीजों से मैंने टमाटर को इस्तेमाल होते हैं, उसके बीज निकाल कर 1 दिन पानी में भिगो दिए थे, उसके बाद मैंने ये देखें, अब ये पौधे माशाल्लाह टमाटर के जो है ग्रोथ में कर रहे हैं। और ये देखें मिर्ची के मैंने तकरीबन 10-12 दाने जो डाले थे, उसमें से एक ने ग्रोथ शुरू की है, अभी मैंने नीचे भी रखा हुआ है, उसको भी मैंने दोबारा बीज डाले, और ये बिल्कुल देसी तरीके से उगा रहा हूँ। मतलब ये कि कोई मैंने इम्पोर्टेड नहीं लगाया है। हाँ, ये मैंने इम्पोर्टेड जो है ना बीज मंगवाए थे, ये ऑनलाइन मैंने दराज पिके से मंगवाए थे। अब ये देखिए टमाटर का, ये इसमें जो छोटे टाइप के चेरी टमाटर रखते हैं, ये भी इसके भी बीज मैंने लगाए थे, और ये तकरीबन इसने 2 हफ्ते में देखें ये ग्रोथ पे है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है गर्मी की वजह से, या तो कोई कीड़े मार दवाई डालनी पड़ेगी, लेकिन ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये इसने जड़ पकड़ ली अपनी, पौधे ने जब अपनी जड़ पकड़ ली ना, अगर ये इस हालत में, इस पोजिशन में और इसको कुछ मसला आ जाए तो फिर ये आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन इस तरह देखें ये अपने जड़ पकड़ लिए, इसके मजबूत हो गए अब ये, तो इंशाल्लाह इसको कुछ होगा नहीं, आगे बढ़ेगा ये टमाटर का। इसके अलावा तो वही फूल हैं जो मैंने बताया था आपको, ये सूरजमुखी का फूल का जो मैंने बीज लगाया था यही बन रहा है, और इसके अलावा ये भी सूरजमुखी का है, और ये वही रात की रानी है ये, लेकिन ये देखें सब, इन सब की यही वजह है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो कराची की गर्मी जो है धूप में बड़ी तपिश होती है, तो इसलिए ये कि जो वेजिटेबल्स पौधे होते हैं, जैसे कुछ गर्मियों में ग्रोथ करते हैं, जैसे मिर्ची का पौधा वगैरह जो है उनको गर्मी की ज़रूरत होती है, जिससे ये फ्रूटिंग करता है, लेकिन कुछ होते हैं जो सर्द मौसम के होते हैं। अब ये फूल है, जैसे ये रात की रानी है, ये फूल देते हैं, उसके बाद ये देखें बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हालाँकि वाटरिंग का भी ख्याल करता हूँ, लेकिन गमला वही बात आ गई, छोटा गमला है, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा फूल फल फूल जाता है। और इसके अलावा मैंने ये दोबारा से देखे जंगली पौधे जो है, ये वैसे ही उग गए थे, ये जो है ना कंस्ट्रक्शन की मट्टी पड़ी हुई थी तो उसमें ये पौधे उग गए थे और ये मुरझा रहे थे, बारिश जब तक पड़ी कि बरसात में जो निकल गए थे खुद ब खुद, लेकिन मैंने इसको आज बचाने वाला तो अल्लाह ताला के साथ है, लेकिन मैंने इसको दोबारा से गमलों में मट्टी से उठा कर जो है ना ढक दिया। आप देखिए माशाल्लाह, ये अब ये देखें, ये मैंने दोबारा, ये थोड़ा सा शुरू में जब हम दूसरे ट्रांसफ़र करते हैं ना तो इस हालत में आते हैं, लेकिन ये भी दोबारा ये कल तक इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। ये सारे जंगली पौधे, ये एक बेल निकल रही थी, एक बेल तो मैंने निकाल के फेंक दी थी, दूसरी मैंने छोटी बेल थी, वैसे ही ज़मीनों पे उग जाती है बरसात के बाद, तो मैंने इसको ऐसे डाल दिया क्योंकि ये भी उड़ जाएगा, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कवर होगा, क्योंकि हम जब इसका चेंज करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पर, तो थोड़ा सा ही है,
स्ट्रेस में रहता है और मुरझा जाता है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि अब जो टमाटर जो है ना वो इंशाल्लाह वो ग्रोथ करेंगे पौधे, और आइंदा भी मैं लगाऊंगा ज़्यादातर। लेकिन ये तो मैंने तजुर्बे के तौर पे लगाया था, करेला लौकी वगैरह अभी मैंने बीज लगाया है दोबारा से। लेकिन ये कि इसका कोई ख़ास इसने कोई मुझे वो नहीं दिया, लेकिन ये कि फूल वूल निकलते हैं इसके। लेकिन ये और पहले जैसे मैंने बताया था कोई बड़े पैमाने पर कर रहा नहीं, छोटा सा मैंने ऐसी कोशिश की थी अपनी, तो कभी कोशिश में कामयाब होता हूँ कभी नहीं होता हूँ। अपने तौर से इसका ख्याल करता हूँ, बालू मिट्टी ला के मैंने जो मिल जाती है सस्ते में और साथ थोड़ी सी खाद, तो इस तरह गमले लगा देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ये भारी गमले हटाकर इसकी जगह पे ग्रोथ ग्रो बैग जो कहलाता है ना, वो हल्का भी होता है, वो उसको आपका ज़्यादा वजनदार नहीं होता है, वो मैं इंशाल्लाह यूज़ करूँगा। क्योंकि गमले बड़े भारी पड़ते हैं और ये बड़े बड़े गमले, तो इससे बेहतर है आप ये प्लास्टिक में इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँ कि प्लास्टिक जो है ना फिर वो नमी बरकरार रहती है। अब ये देखिए मैंने ऐसी तजुर्बा किया है, ये प्लास्टिक मैंने कोई वो नहीं है, प्लास्टिक में वैसे ही डाल दिया, उसमें मैंने पानी कम देना पड़ता है, इसमें पानी का ख्याल करना पड़ता है। तो ये कोई ना बाल्टी है ना कोई दूसरी चीज़ ठोस, ये मैंने वैसे ही प्लास्टिक के अंदर मिट्टी डाल के इसको बना दिया। लेकिन ये देखें कंडीशन अच्छी जा रहा है इसकी भी, ये सूरजमुखी का फूल है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा, और ये जैसे मैंने रंगून का जो है ना, ये रंगून की एक बेल होती है जो रंगून क्रिस्पर कहलाता है, और इसको झुमका बेल भी कहते हैं। ये अगर इंशाल्लाह कामयाब हो गया तो ये बेल बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत बड़ी जाती है, और इसमें फूल वगैरह भी आते हैं झुमके, जैसे झुमका होता है ना झुमके की तरह के फूल आते हैं, और उस साथ में वाइट कलर के, जैसे कि मैंने कटिंग टाइम से लगा के रख दी थी, और इसमें देखें ये इसको निकल रहे पत्ते, तो ये भी इंशाल्लाह ग्रोथ करने लगेंगे। तो ऐसे तजुर्बे कर रहा हूँ, हल्के फुल्के कोई भी कामयाब हो जाए तो। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि मेरा जो मिर्ची टमाटर का जो तजुर्बा है ना वो कामयाब रहा है, क्योंकि टमाटर का एक बार दरख्त लगाया, वो पौधा लगाया, फ्लोटिंग भी किया, तो वो बिल्कुल आसानी से उगने वाला जो है। इसके अलावा अगर दूसरी भी चीज़ें कोशिश करूँगा मैं लगाने के, लेकिन इतना टाइम उसके लिए निकालना पड़ता है, तो मैंने छोटा सा हल्का फुल्का वैसे लगाया है ताकि ये भी ग्रोथ करने लगेंगे। उनकी जगह भी चाहिए, थोड़ी इनको जगह चाहिए होती, बस कोशिश यही होती कि एक पौधा एक गमले गमले में आए, इससे जो है ना अच्छी होगी। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा मैं अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।